देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस, मैं हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है जीसीबी में हम क्या देखेंगे, कैलिब्रेशन देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। तो हम जीसीबी कैलिब्रेशन में क्या क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं। तो हमारा सबसे पहला हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे, तीसरा हम क्या देखेंगे इसमें, हम इसका टेस्ट प्रोसीजर देखेंगे, क्योंकि हमारा ये टॉपिक क्या है, हमारा प्योरली प्रैक्टिकल है। आप जीसीबी अपने आप में बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीसीबी को पढ़ना बहुत कंपलसरी है क्योंकि आपका बहुत चीज़ इसमें कवर हो जाता है। आप जैसे कि प्राइवेट में जॉब करने के लिए जा रहे हैं या आपका गवर्नमेंट के लिए आप जा रहे हैं, तो जीसीबी अगर लैब केमिस्ट के लिए आप जा रहे हैं तो बहुत कंपलसरी है ना। तो जीसीबी टॉपिक बहुत ही कंपलसरी है, इसीलिए आपको ये बनना ही चाहिए। तो हम इसको एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे और चीज़ों को रिलेट करके बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको समझा सकें, है ना। जीसीबी, सबसे पहले हम जीसीबी का बात करते हैं। तो जीसीबी क्या होता है, हमारा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। हम जीसीबी क्यों निकालते हैं, किसका निकालते हैं? तो जीसीबी हम किसका निकालते हैं, कोल का निकालते हैं। कोल कहाँ से आया ये बताएं, तो कोल हमारा क्या रहता है, माइंस में रहता है, जिसका हम क्या करते हैं, ग्रेड पता करने के लिए हम उसका जीसीबी निकालते हैं। तो हमारे कोयले में आपको बता देते हैं G1 से G17 क्या होता है, हमारा G1 से हमारा G17 क्या होता है, ग्रेड होता है, ठीक है। अब ये जीसीबी में मतलब हमारा ग्रेड कैसे पता चलता है, तो हम इसका हीट कैपेसिटी कंबसन करा के हम क्या करते हैं, इसका पता करते हैं। मान लो G1 का हमारा क्या होता है, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू हमारा 7000 होता है। अगर जिस कोयले का हम जलाते हैं, जलाने के बाद हमारा कंबसन वैल्यू या हीट कैपेसिटी जो हमारा राइजिंग होता है वो अगर 7000 हुआ, तो हम क्या मान लेते हैं उसको, G1 मान लेते हैं। अगर यहीं पर हमारा क्या होता है, 22 से हमारा क्या होता है, 25000 होता है, ये हो गया है ना। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, G17 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जीसीबी का हमारा के द्वारा ही हम ग्रेड को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, ग्रेड को डिक्लेयर करते हैं कि हमारा इस कोयले का इतना ग्रेड है। ये हमारा हो गया जीसीबी के बाद, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माइंस जाते हैं, माइंस से क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट का हमारा क्या रहता है, कोड रहता है, उससे छोटा सा क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं, जिसको कोनिंग क्वार्टरिंग करके मिक्सिंग करके हम उसको -212 माइक्रोन तक के क्या करते हैं, लाते हैं। -212 माइक्रोन का क्या करते हैं, सिंपल लाते हैं, ठीक। ये -212 माइक्रोन का हमारे पास क्या रहेगा, सिंपल का साइज रहेगा, मतलब बहुत ही महीन पाउडर जैसा, ठीक है। इसको 72 mS भी बोल लेते हैं, कई लोग क्या होता है अलग अलग जानकारी रखते हैं कि 72 में इसको जानते हैं, कई लोग 212 माइक्रोन को, तो दोनों एक ही है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 212 माइक्रोन का अपन टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट करने के लिए हमको बहुत कम अमाउंट में चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट का टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल लेने के लिए एक छोटा अमाउंट का टेस्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 212 माइक्रोन में इसको डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट करने के बाद इसको हम 1 ग्राम इसमें क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं। सिंपल लेके क्या करते हैं, हम जलाते हैं। जलाने के बाद क्या करते हैं, उसमें हम हीट देखते हैं। हीट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वही हीट को हम क्या करते हैं, हम इसमें जीसीबी में उसको कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। एक स्केल है, समझ लो, जीसीबी हमारा एक स्केल है। जैसे हमारा एसिड और बेस का स्केल रहता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, जीसीबी ए स्केल है। जैसे हमारा एसिड बेस के थ्रू मैं समझा दूँ, तो 7 से कम आता है वो एसिडिक, 7 से ज़्यादा आता है उसका बेस, है ना। तो उसी प्रकार हमारा क्या है, अगर 7000 है तो हमारा G1, और हमारा 2200 से अगर हमारा 2500 के बीच में आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, G13 G17, ठीक है। ये इस प्रकार से क्या होता है, एक हमारा कोल का हम ग्रेड निकालते हैं। तो इसमें हम कैलिब्रेशन, अब वर्ड कहाँ से आया कैलिब्रेशन, तो देखो हमारा क्या होता है, बहुत सारे मशीन रहते हैं, मशीन हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम चेक करने के कैलिब्रेशन करते हैं या स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका, क्योंकि हम एक सिंपल का तो जीसीबी नहीं निकालेंगे, हमारे पास 500 400 सिंपल रहते हैं, उसका हमको कैलिब्रेशन करना क्या करना रहता है, जीसीबी निकालना रहता है। अब इन सब प्रोसीजर में क्या होता है, मशीन है, क्योंकि मशीन का नाम क्या है, चलता है का नाम मशीन है, चलते रहता है तो ठीक है, नहीं तो बिगड़ गया तो क्या कर लोगे, ठीक है। तो उसी को हम क्या करते हैं, बीच बीच में या हम स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, उसका हम कैलिब्रेशन करते हैं या स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ठीक है, ताकि हमको ये पता चले कि वो मशीन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने डिजिटल वेट मशीन देखे होंगे, डिजिटल वेट मशीन का भी हम कैलिब्रेशन करते हैं। तो कैसे कैलिब्रेशन करते हैं, इसके बाद आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या होता है, डिजिटल वेट मशीन होता है, डिजिटल वेट मशीन जब आपने कभी भी
किसी को लगवाते हुए देखा होगा या कहीं लेब में देखे होंगे, तो उसमें होता क्या है, उसमें वो छोटा छोटा क्या रखा रहता है, वेट मशीन में बाट रखे रहते हैं। जैसे 1 ग्राम का हो जाएगा तो 1 ग्राम को वहाँ तौल के देखेगा तो मशीन क्या बताएगा, हमारा 1 ग्राम नहीं बताएगा, वो 99 बताएगा, क्योंकि 100% कोई चीज नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि वो कैलिब्रेशन, मतलब वो सही बता रहा है, उसको हम एक प्रकार से सेटअप करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास बाट है वो हमारा क्या है, ISI मार्क, या हम ये बोल सकते हैं जिसको हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। पहले से उसमें 1 kg लिखा है या 1 ग्राम लिखा है, मतलब वो वेटेड है, ठीक है। तो उसको हम डालते हैं और वेट को हम क्या करते हैं, देखते हैं तो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या होता है, ये GCB में हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। हमारा जो कोल सैंपल होता है वो अननोन होता है, इसको आपको याद रखना है, कोल सैंपल अननोन होता है, और जो हमारा नोन सैंपल रहता है जिसके हम जानते हैं, उसी से हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन कराते हैं, ताकि हमको पता चले उस सैंपल के बारे में, हम जान रहे हैं उसका कैलकुलेशन सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम उसको बार बार करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि क्या चीज़, कभी कभी क्या होता है जो हमारा नोन सैंपल भी हमको क्या कर जाता है, कभी कभी उसका फ्लक्चुएट हो जाता है रिजल्ट, तो हमको एक ही बार में नहीं रुकना है लगातार, इसको 3-4 बार करना है ताकि हमको रिजल्ट सही से मिल सके, है ना। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, उसके बाद जो हमको पता चल गया कि मशीन इजिली स्मूथली काम कर रहा है, तो हम अननोन सैंपल को लेते हैं, अननोन सैंपल को लेके क्या करते हैं, हम फिर इसमें कैलिब्रेशन कराते हैं या हम GCV का कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम क्या देखते हैं, रिक्वायरमेंट की देखते हैं, रिक्वायरमेंट हमको क्या क्या लगेगा। देखो आप लेब टेस्टिंग करने के लिए जाओगे तो आपको रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, बिना रिक्वायरमेंट के आप काम नहीं कर सकते। आप रिक्वायरमेंट चालू क्या कर दिए, टेस्ट चालू कर दिए, आपको बीच में ये लग रहा है, आपको वो लग रहा है, तो फिर दौड़ दौड़ के आप नहीं जा सकते। इसलिए आपको जो टेस्ट करना वाले हैं तो उसका पूरा रिक्वायरमेंट का आपको लिस्ट मालूम होना चाहिए, उसके बारे में पूरा मालूम होना चाहिए, तो उस सामान को अपने आसपास रखो ताकि आपको इधर उधर जाना ना पड़े टेस्ट के दौरान, ठीक है। तो ये इसलिए हम हर टेस्ट में हम आपको रिक्वायरमेंट कंपलसरी बताते हैं, ताकि वो हमारा सामान हमारे आसपास रहे, ताकि हमको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक। तो इसीलिए हम आपको रिक्वायरमेंट बताते हैं। तो रिक्वायरमेंट में हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, हमारा सबसे पहला हो जाएगा सिंपल हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बम कैलोरीमीटर हो जाएगा, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा इग्निशियन वायर हो जाएगा, या नाइक्रोम वायर बोल सकते हो, नाइक्रोम, ये हो गया नाइक्रोम वायर। चौथा क्या हो जाएगा हमारा, कॉटन थ्रेड, ये कॉटन थ्रेड हो गया। और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। फिर हमारा छठवा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, और डीएम वाटर लगेगा, है ना, हो गया, ठीक है। और आगत बता देंगे, देखो सबसे पहले हमको जिसका हम क्या करेंगे, कैलिब्रेशन करेंगे, उसका हमको सैंपल चाहिए कंपलसरी, उसका क्या क्या चाहिए, सैंपल चाहिए, ये हो गया, बम कैलोरीमीटर चाहिए, इग्निशियन वायर, नाइक्रोम वायर, कॉटन थ्रेड, और बेंजोइक एसिड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, डीएम वाटर चाहिए। ये हम क्या करते हैं, एक टेस्ट करने के लिए पूरा प्रोसीजर सेटअप करने के लिए हमको ये क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बम कैलोरीमीटर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, तो बम कैलोरीमीटर आजकल दो चीज हो गया, दो प्रकार का हो गया, एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। उसमें हमको मैनुअल में क्या होता है, हम ऑक्सीजन फिलअप करते हैं किसमें, बम में, बट आज ऐसा हो गया है ऑटोमेटिक बम कैलोरीमीटर में हमको कुछ करना जरूरत नहीं है, केवल हमको क्या होता है, एक वाटर टैंक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं। किस लिए वाटर डालते हैं, जब हमारा सिंपल कम्बसन होता है तो उसको कूल डाउन करने के लिए हमको क्या लगता है, वाटर की जरूरत पड़ता है, तो हम सिर्फ वाटर फिलअप करते हैं, बाकी सब कुछ हमारा ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है वो सब ऑटोमेटिक फिलअप कर लेता है। कितना क्वांटिटी में लगेगा ये सब अपने हिसाब से क्या कर लेता है, क्वांटिटी को फिलअप कर लेता है। देखो इंसान से गलती हो सकता है, लेकिन मशीन से गलती बहुत कम होता है, क्योंकि देखो हम अगर उसको हम बोल दिए 30-40 से, अगर हम उसको सेट कर दिए एक बार ऑक्सीजन के लिए 30 से 40 SI SPI, ठीक है, तो क्या करेगा वो मशीन 30 से 40 ही
क्या करेगा, PSI हमारा ऑक्सीजन लेगा, मतलब 3 से 4 kg के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। हो सकता है हम डाल रहे हैं हमारे से ज़्यादा हो गया, लेकिन मशीन कभी गलती नहीं करता, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा बम कैलोरीमीटर के बारे में आपको बता देते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा इसको टेस्ट प्रोसीजर समझाएंगे, है ना। ये देखो, ये हमारा क्या है, मैनुअल बम कैलोरीमीटर है, डिजिटल तो नहीं है, मैनुअल है, क्योंकि मैं मैनुअल से आपको ज़्यादा समझा पाऊंगा, क्योंकि डिजिटल में तो सब चीज़ क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैनुअल बम कैलोरीमीटर। मैं बम कैलोरीमीटर के उसमें एक वीडियो और बना चुका हूँ, लेकिन आज हमारा क्या है, मेनली GCV करेक्शन है, GCV करेक्शन, या हमारा कैलो क्या है, ये GCV करेक्शन तो अगले वीडियो में बनाएंगे, ये कैलिब्रेशन है, सॉरी GCV कैलिब्रेशन है, ठीक है। ये वीडियो हम क्या बना रहे हैं, GCV कैलिब्रेशन के पर्पस में बनाए हैं। तो देखो, ये सबसे पहले हमारा क्या होता है, ये जैकेट है, ठीक है, इसको हम बताए हैं बार बार, इसको हम आइसक्रीम, मैं इसको इसलिए आपको रिलेट कर रहा हूँ, साधारण भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, और आप आसपास के एग्जाम्पल इसलिए देते हैं ताकि आप उसको देखे हुए हैं। तो मैं बार बार इसका एग्जाम्पल दिया हूँ, आइसक्रीम जो गांव में या पार्क के आसपास आपको आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं, तो आइसक्रीम में क्या होता है, ये ऐसी 3-4 लेयर रहता है जिसके कारण हमारा आइसक्रीम जमा हुआ होता है। उसका मतलब क्या है, ना तो एयर बाहर आएगा, ना तो एयर अंदर जाएगा, तो जिसका जितना टेम्परेचर हम वहाँ मेंटेन करके रखे हैं, उतना टेम्परेचर वहाँ मेंटेन रहेगा, ठीक। इसी प्रकार क्या होता है, ये हमारा देखो, ये सबसे पहला बाहर का ये लेयर हो गया, अब बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है, वो क्या है, एयर के लिए रहता है, ठीक है, ताकि वो आपस में टकराए ना, ये भी हो सकता है कि एयर रहता है। फिर नीचे में हमारा वाटर का हमारा बैकेट रहता है, हम जिसमें एक वाटर भर दिए रहते हैं। देखो, ऑटोमेटिक बम मशीन में केवल हमको क्या करना है, वाटर डालना है, वो भी एक हमारा अमाउंट रहता है, उसमें हमारा सब क्या होता है, एक रहता है चिन्ह रहता है, वहाँ तक के डालना है, फिर आपको नहीं डालना है। बट इसमें हम क्या करते हैं, 2 से 4 लीटर तक के इसमें बम क्या कर देते हैं, पानी फिलअप कर देते हैं, ठीक। अब उसके अंदर एक हमारा क्या रहता है, खांचा जैसा रहता है, या फिर वो एक सेटअप रहता है, उसी के अंदर हमको क्या करना है, ये पूरा स्टील बम को रखना है, ठीक। स्टील बम हमारा पूरा क्या रहता है, यही मेन है। देखो, स्टील बम हमको एक से ज़्यादा यूज़ करना है, ऑटोमेटिक इसलिए आजकल आया है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल इतना बढ़ गया है कि हम एक ही बम से हमको पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको अलग अलग बम का यूज करना पड़ता है, ताकि हम जितना ज़्यादा हो सके सैंपलिंग कर सके, जितना ज़्यादा का हम क्या कर सके, उसका GCV कैलकुलेट कर सके। तो हर बम का क्या होता है, हीट कैपेसिटी, ये देखो, ये बम को मैं बाहर निकाल देता हूँ, बाहर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये क्या रहता है हमारा बम है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या रहता है, सिंपल रहता है, ये काटन का थ्रेड मान लो, ठीक है, हो गया। ये क्या रहता है, ये हमारा एक बम है, बम के ये अंदर का है, ठीक है। तो इसका ये हर अलग अलग बम का हीट कैपेसिटी अलग अलग रहता है, किसी का अलग कैपेसिटी रहेगा, किसी का अलग से कैपेसिटी रहेगा, तो उसी को हमको कैलकुलेट करना है, तो किस बम का कैपेसिटी कितना है, फिर उसको हम क्या करते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं, दोबारा हम उसका क्या करते हैं, उसमें क्या चिपका देते हैं, इसमें इसका हीट कैपेसिटी इतना है करके हम सिस्टम में उसको सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, ताकि हमको बार बार उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक। तो देखो, इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ आपको, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाया हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। ये हमारा क्या रहता है, बम रहता है, बम को जब ओपन करोगे तो हमको ये हमारा क्या रहता है, स्ट्रक्चर दिखता है। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह रहेगा, खांचा जैसा दिखे रहेगा, उसमें हमको नाइक्रोम वायर को बांधना है। नाइक्रोम वायर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बताता हूँ, जो हम घर के जो ग्रिप में लगा रहता है फ्यूज वायर, वही है हमारा क्या चीज़, नाइक्रोम वायर, ताकि क्या हो, आसानी से बर्न हो सके। हम इसमें पता है क्या, एकदम ज़्यादा वो नहीं बांध सकते। अब ये दोनों क्या है हमारा, एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, मतलब दोनों को हम शॉर्ट करवा रहे हैं, एक हिसाब से दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, शॉर्ट करवा रहे हैं, ताकि शॉर्ट सर्किट होके वो जले, ठीक है। अब ये हमारा कॉटन थ्रेड है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉटन थ्रेड हो जाएगा। कॉटन थ्रेड को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिंपल में हम क्या करते हैं, टच कराते हैं। किस लिए टच कराते हैं, जब ये इग्निशियन वायर नाइक्रोम वायर जलेगा, नाइक्रोम वायर जलेगा तो हमारा क्या होगा, ये जलेगा, क्या चीज़, कॉटन थ्रेड, कॉटन थ्रेड जलेगा। तो कॉटन थ्रेड किस में अटैच है, तो हमारा सिंपल में अटैच है। अगर सिंपल में अटैच रहेगा तो जब ये कॉटन टाल जल जाएगा, फिर ये क्या होगा, इसकी हीट की वजह से हमारा सिंपल भी बर्न आउट हो जाएगा। लेकिन हमारा इसका भी GCV तो होगा कुछ ना कुछ। ये देखो, ये हमारा क्या है, नाइक्रोम वायर है और कॉटन थ्रेड है, ये जलेगा तो इसका भी तो हीट
थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा, हीट इसका भी तो आएगा। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझा सकें। ठीक है, इसको अभी नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका जलेगा, बट इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब जो बचा वो क्या है, केवल हम इसी पे फोकस करते हैं। तो इसी में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इसका जब इसको हीट करते हैं, इसको जलाते हैं, जलाने के बाद क्या होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस होता है तो यहाँ ये क्या होता है, बाहर आपस में आएगा, ये हीट बाहर आएगा जहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है तो क्या होगा, वाटर का जो हीट कैपेसिटी की वजह से हमारा जो बाहर वाटर है, इक्विवेलेंट वाटर का क्या होगा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। अब हम इसका टेम्परेचर मान लो हम कितना माने हैं, 25 माने हैं। 25 इसलिए माने हैं क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर 25 होता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है ना, इसीलिए हम कितना माने हैं उसको 25 सेल्सियस माने हैं। ठीक, अब इसमें का जो वाटर जब हमारा ये जलाए हैं, सिंपल को जलाए हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज हुआ तो हम कितना वो कर दिए इसको, ये हमारा मान लो 2 इंक्रीज हो गया, 27, मतलब इंक्रीज हुआ ना, 27 हो गया ये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो वाटर का भी क्या होता है, एक जगह मतलब दो परत होगा, दो परत में अलग अलग टेम्परेचर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्टरर घुमाते हैं। स्टरर इसलिए घुमाते हैं ताकि पूरा जो बकेट का पानी का हमारा टेम्परेचर वो क्या रहे, इक्वल रहे। अच्छा, दो टेम्परेचर कैसे होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। आप कभी ना कभी तालाब गए होंगे, क्या है समर सीजन में, ठीक है, जब गए होंगे तो ऊपर का परत गर्म रहता है, नीचे का परत ठंडा रहता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर हमारा वहाँ स्टेबल है। अगर वही वाटर में मूवमेंट होता तो हमारा क्या है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो इक्वल होता। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टरर लगाए हैं ताकि वो वाटर को क्या करते रहे, फ्लो करते रहे, ताकि हमारा जो वाटर का टेम्परेचर है वो इक्वल रहे। अदरवाइज नहीं रहता तो यहाँ का टेम्परेचर अलग, यहाँ का टेम्परेचर अलग। आप इसको गौर करेंगे, अगर आप तालाब गए होंगे तो गर्मी के सीजन में ऊपर का परत का क्या रहता है, पानी बहुत गर्म रहता है, जबकि अंदर का परत बहुत ठंडा रहता है ना। अगर आप 2 मिनट तक वहां पे नहाएंगे ताकि वो वाटर में क्या हुआ, हलचल हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वहां का इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्या चीज, हमारा वाटर का टेम्परेचर। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसी टेम्परेचर को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसी को हम क्या करते हैं, इसी का इक्विवेलेंट निकालते हैं, इसी का कैलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इतना आपको समझाना था। अब इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली सिंपल डालते थे, ठीक है, ये तो हमारा कोल सिंपल का मैं बता दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन क्यों करते हैं, वही मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हम इसलिए कैलिब्रेशन करते हैं क्योंकि हमारा जो मशीन है प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इग्निशन नाइक्रोम वायरली, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा शायद, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बम हो जाएगा। इसमें अब दो खांचे में हम क्या डाल दिए, नाइक्रोम वायर डाल दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, कैलिब्रेशन करने के लिए टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्टन थ्रेड हो जाएगा। यहाँ क्रूसिबल होता है, हमारा छोटा सा क्रूसिबल होता है जिसको आपने लेब में जरूर देखे होंगे, है ना। तो ये क्या होता है, क्रूसिबल होता है, लेकिन अब इसमें हम कोल की जगह क्या डालेंगे, हम नॉन बेंजोइक एसिड। नॉन बेंजोइक एसिड इसलिए बोला हूँ क्योंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू हमको मालूम रहता है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू मोर देन 6000 रहता है, अप्रॉक्सीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, 6000 रहता है। तो हम इसको बेंजोइक एसिड का हमारा जो क्या होता है, बेंजोइक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड का हमारा क्या हो जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू किलोग्राम में, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6300। ठीक है, हम 6300 क्या माने हैं, माने नहीं है, इसका होता है अप्रॉक्सीमेटली, ये हम राउंड फिगर में ले लिए हैं, 6300 क्या लिए हैं, इसका हम कैलोरीफिक वैल्यू लिए हैं, इसको हमको मालूम है। ठीक है, ये टेबलेट फॉर्म में है, इसका हमको कैलोरीफिक वैल्यू मालूम है। तो इस सैंपल को हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं, लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें सेटअप कर देते हैं। ठीक है, सेटअप करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 2 इग्निशियन वायर है, याद रखिए 2 इग्निशियन वायर है, इसका हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो मान लो ये क्या है, यहाँ से स्विच में लगा हुआ है, यहाँ से हम स्विच ऑन कर दिए। स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये प्लस और माइनस दोनों है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होते हैं की वजह से क्या होता है, ये कम्बसन होता है, जलने लगता है। जब ये जलेगा तो यहाँ क्या लगेगा, काटन थ्रेड भी जलेगा। काटन थ्रेड जलेगा तो हमारा जो फ्यूल है, फ्यूल कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, ये भी क्या होने लगेगा, बर्न होने लगेगा, जलने लगेगा। जब जलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट प्रो क्या होगा, हीट रिलीज होगा। यहाँ पे हीट जल रहा है, जब फ्यूल जलेगा तो हीट रिलीज ही होगा। जब हीट रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ वाटर में इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर था कितना था, यहाँ पे टेम्परेचर लगा हुआ है, इससे हम टेम्परेचर बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा मान लो कितना है, 25 सेंटीग्रेड, इसलिए लिए हैं क्योंकि इसको हम क्या माने हैं, रूम टेम्परेचर माने हैं, जो हम सेटअप जमाए हैं रूम टेम्परेचर में ही जमाए हैं, है ना।
अब ये कंबसन होने के बाद क्या होता है, हमारा वाटर का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो कितना हुआ हमारा, ये 27 हो गया। तो हमारा इसको हम T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम अगर डेल्टी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टी मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ टेम्परेचर। देखो डेल्टी हमेशा हम क्या सोचे हैं, टाइम में वेरिएशन, लेकिन यहाँ पे हम टेम्परेचर में वेरिएशन देख रहे हैं। टेम्परेचर में वेरिएशन तो हमारा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टी मतलब हमारा क्या है, टाइम में वेरिएशन, टेम्परेचर में वेरिएशन। तो हमारा कितना हो रहा है, 27 माइनस कितना हो जाएगा, 25। 27 माइनस 25 करते हैं तो हमारा कितना हुआ इंक्रीज, 2 सेंटीग्रेड हमारा क्या हुआ, हमारा 2 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। इसको आपको याद रखना है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम कुछ कुछ देखते हैं, जैसे कि हमारा बेंजोइक एसिड का हमारा कितना हो गया, हमारा 6300। अब लेकिन काटन का हमारा जीसीवी कितना होता है, काटन थ्रेड का, और ये इग्निशन नाइक्रोम वायर का जीसीवी कितना होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर इसको क्या करते हैं अपन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो वाटर का इक्विवेलेंट वाटर का जो हमारा आएगा वैल्यू, वो हमारा क्या रहेगा, मेन रहेगा। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर का हमारा जीसीवी कितना है, जीसीवी वैल्यू 0.335 कैलोरी पर किलो, इसको याद रखिएगा। और दूसरा हमारा कॉटन थ्रेड का क्या होता है, 4.1 किलो कैलोरी होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल क्या देख रहे हैं, ग्राम में देख रहे हैं। तो हमारा ग्राम में अगर कैलकुलेट करते हैं 0.015, मतलब नेग्लिजिबल रहता है दोनों का, इसलिए बहुत कम रहता है ना। तो ये हमको मालूम हो गया। अब मालूम हो गया तो हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके आपको बता, ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, इसका क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस किसके लिए कर रहे हैं हम, टोटल हम क्या कर रहे हैं, वाटर का इक्विवेलेंट टेस्ट करने के लिए, ठीक है। वाटर का इक्विवेलेंट क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर निकालने के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा जीसीवी आप बेंजोइक एसिड उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, सिंपल वेट। सिंपल वेट कितना लिए थे, बार बार बता रहे हैं आपको, 1 ग्राम सिंपल लिए थे, 1 ग्राम सिंपल लिए थे। फिर नाइक्रोम का हम क्या कर रहे हैं, जीसीवी लिखेंगे। फिर कॉटन थ्रेड का जीसीवी लिखेंगे, उसको पूरा क्या कर देंगे हम, मल्टी डिवाइड किससे कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे राइजिंग टेम्परेचर। राइजिंग टेम्परेचर कितना है हमारा, जो वाटर क्या है टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया था 2, है ना, उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो इसका जीसीवी कितना आया था, आपको बता देते हैं किसका जीसीवी, तो बेंजोइक एसिड का जीसीवी हम 6300 निकाले थे, याद रखिएगा, ठीक है। इनटू हमारा सिंपल वेट 1 ग्राम हुआ था, और ये हमारा माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, नाइक्रोम वायर का हम क्या बताते, 0.335 प्लस हम 0.015, ये किसका हो जाएगा, ये हमारा कॉटन थ्रेड का, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा 2। अगर सबको कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कितना आता है, तो हमारा 3149 आता है, जो कि हमारा ग्रेड के वैल्यू में देखें तो हमारा G15 होता है। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद क्या होता है, हमारा 3149 आता है। अगर इसको ग्रेड के दिशा में देखें तो 3149 का वैल्यू कितना में आता है, हमारा G15 में आता है, ठीक। और इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, एयर के माध्यम से शुरू से लास्ट समझा देता हूँ, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसीजर, प्रोसीजर को एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या किए हैं, टेक सिंपल, सिंपल किसका लिए हैं, बेंजोइक एसिड का सिंपल लिए हैं। बेंजोइक एसिड का सिंपल लेने के बाद क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड को किस में डाल देते हैं अपन, क्रूसिबल में डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, फिट करते हैं नाइक्रोम वायर, फिर थ्रेड डालते हैं। थ्रेड डालने के बाद क्या करते हैं, इग्निशन वायर को ऑन करते हैं, मतलब हम क्या कर देते हैं उसमें ऑक्सीजन तो फिलअप होगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के क्या होता है हमारा, कहीं भी आग नहीं लगेगा, याद रखिएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न आउट होता है, ठीक। फिर ऑक्सीजन फिलअप कर दिए, ऑक्सीजन फिलअप करने के बाद क्या होता है, बर्न आउट होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन फिलअप करने के बाद ही बर्न आउट होगा, है ना। तो ये हमारा तीसरा यहाँ पे बोल सकते हो ऑक्सीजन फिलअप, ठीक है, ऑक्सीजन फिलअप बोल सकते हो, ऑक्सीजन फिलअप किए फिर बर्न आउट हुआ। बर्न आउट हुआ तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा। हीट एक्सचेंज कहाँ से होगा, हमारा बम से हमारा वाटर में जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या निकालते हैं, उसके बाद वाटर का डिफरेंस निकालते हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल लिए। निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट कर लिए। फिर हम क्या करते हैं, स्टरर को घुमाते हैं, ताकि हमारा जो टेम्परेचर हो इक्वल रहे। उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्टन का जीसीबी निकालते हैं, इग्निशन वायर का जीसीबी निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड का जीसीबी, जिसका हमको मालूम है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, देखते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं कि हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है।
है, ऐसा हम क्या करते हैं 3 से 4 बार करते हैं ताकि हमारा एक फिक्स अमाउंट में क्या आ जाए, हमारा वैल्यू आ जाए, ताकि हमको पता चल जाए कि ये क्या है, कि मशीन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में आपको फिर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो हो गया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएंगे, जीसीबी करेक्शन बताएंगे। तो जीसीबी में करेक्शन कितने प्रकार का होता है, ये 3 टाइप का होता है, इसकी आपको याद रख लीजिएगा, नाम क्या क्या होता है, डिटेल कैसा होता है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।